नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनफोकस स्पोर्ट्स पर। और आज जो पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया भारत बनाम न्यूजीलैंड का इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, ये मैच भारत ने 70 रनों से जीत लिया है। इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा अपने आक्रामक मूड में दिखे, जैसे कि वो इस पूरे सीरीज में, आईसीसी वर्ल्ड कप सीरीज में दिखाई दे रहे थे। उसी तरह से इस मैच में भी उन्होंने ताबड़तोब 47 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के भी मौजूद थे। भारत के लिए पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। उस वक्त भारत का स्कोर था 71 रन। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के पश्चात आए विराट कोहली। विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुभमन गिल ने भी 80 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन इस दरमियान उन्हें क्रैम्प आने की वजह से वो पेविलियन लौट पड़े। और शुभमन गिल के पेविलियन लौटने के पश्चात आए श्रेयस अय्यर। पिछले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर ने इस मैच में भी 105 रन की पारी खेली। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। विराट कोहली ने भी इस मैच में 117 रन बनाए। विराट कोहली ने 113 गेंदों में 117 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके भी मौजूद थे। विराट कोहली का एक दिवसीय मैच में ये 50वां शतक था। इस शतक के साथ ही विराट कोहली अब एक दिवसीय मैचेस में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 50 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली 117 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली के आउट होने के पश्चात आए केएल राहुल। केएल राहुल ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने 20 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। भारत ने अपने स्टिपुलेटेड 50 ओवर में 397 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 विकेट गवाए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 86 रन देकर 1 विकेट लिए। वहीं पर टिम साउदी भी काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 100 रन दिए और 3 विकेट लिए। भारत का लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र को मोहम्मद शमी ने आउट किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने 13-13 रन की पारी खेली। इन दोनों के विकेट गिरने के पश्चात आए केन विलियमसन और डेरिल मिचेल। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर करीब 180 रनों की पारी खेली, जिसमें केन विलियमसन ने 73 गेंदों में 69 रन बनाए, जिसमें 1 छक्के और 8 चौके शामिल थे। वहीं पर डेरिल मिचेल ने भी 119 गेंदों में 7 छक्के और 9 चौकों की मदद से 134 रन बनाए। जब तक ये दो खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद थे, एक समय ऐसे लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड टीम को जीत के करीब ले जाने में सफल साबित होंगे। मगर मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे स्पेल में केन विलियमसन को सूर्य कुमार यादव द्वारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट करवाया। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने भी 33 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। डेरिल मिचेल का ये भारत के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में दूसरा शतक था। इसके पहले भी लीग मैचेस में डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ शतक लगाया था, मगर डेरिल मिचेल की इस मैच की शतकीय पारी न्यूजीलैंड टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाई। न्यूजीलैंड टीम 48.5 ओवर में 327 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी सबसे किफायती गेंदबाज रहे। उन्होंने 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट लिए और उनके इस परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने भी 1-1 विकेट लिए। तो भारत ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रनों से जीत लिया और इस आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले प्रवेश करने वाली टीम बन गई। अब कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला फाइनल में भारत के साथ 19 नवंबर को होगा। तो दोस्तों, ये थे हाइलाइट्स भारत बनाम न्यूजीलैंड के आज के सेमीफाइनल मैच के। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे और हम आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरें लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।